एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और बस आज छोटा सा वीडियो है, कोई ब्लॉग नहीं है। मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए छोटा सा, क्योंकि मैंने की है शॉपिंग, और फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है मैंने अपने लिए साड़ी की शॉपिंग। यानी साड़ी ऐसा नहीं है मेरे पास साड़ियाँ नहीं है, साड़ियाँ हैं बट वो किसी की गिफ्ट की हुई साड़ियाँ हैं, या मतलब किसी ने मुझे दी हैं, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, या किसी ने भी। तो मैंने ये साड़ी ली है ZK.com से। ZK.com पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन है साड़ी का, कुर्ती का, लहंगास का, जो एथनिक वेयर है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ZK.com पर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। और चलिए देखते हैं मैंने क्या शॉपिंग की है। तो मुझे एक साड़ी खरीदना थी, और मुझे वो साड़ी ऐसी साड़ी खरीदना थी जो मैं हर जगह कैरी कर सकूं। यानी हर जगह कैरी, अगर कोई पार्टी प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, तो भी मैं कैरी कर सकूं, और मैं कैजुअल वे में अगर पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग है बच्चे की तो भी कैरी कर सकूं। तो यह एक ऐसी साड़ी है, ये ब्लैक कलर में मैंने ली है, क्योंकि जो मेरे ब्लैक कलेक्शन मेरा बिल्कुल आउट हो गया था गाउन का और कुर्तीज़ का, तो ब्लैक कलेक्शन जो था मतलब एक भी अब मतलब अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में नहीं था मेरे पास कोई भी सूट वगैरह ब्लैक कलर का, तो मुझे ब्लैक कलर में ही लेना थी। तो ये देख सकते हैं आप, सी ये, तो ये साड़ी मैंने ली है बनारसी सिल्क में, और मुझे इस तरह से ये रिसीव हुई है। मैंने ये बाय की है ZK.com से। तो ये बनारसी सिल्क में साड़ी है, और मैंने अभी ओपन नहीं किया है, मैंने कहा आपके साथ सामने ही ओपन करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, और बहुत ही अच्छा वर्क है, आप देख सकते हैं इस तरह से। मैं ओपन करके दिखाती हूँ इसको, ये कुछ इस तरह से इसका ये पल्ला आ जाएगा, ये और ये इस तरह से पूरी साड़ी है बनारसी सिल्क में। बहुत ही प्यारा वर्क है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसमें, इस तरह से पूरी साड़ी में वर्क मिलेगा, काम मिलेगा। और ये आ जाता है यहाँ से इसका ब्लाउज पीस, ये जिस तरह से इसमें ब्लाउज दिखाई दे रहा है। एक मिनट, क्योंकि समटाइम्स सर पे भी डालना पड़ता है ना, हर जगह ऐसे ही तो नहीं जा सकते, अगर कहीं पर पल्ला सर पे भी लेना पड़ता है तो ये कैसी लगेगी। इसके कपड़े की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मतलब ब्लैक पे गोल्डन, और ये आपको ऑरेंज और ये पर्पल कलर मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और देन इसका जो ब्लाउज है उसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है, काफी और कपड़े की कोई कमी नहीं है। अगर आप ऐसी साड़ी की तलाश में हैं कि आप पार्टी में जाएं तब भी उसको कैरी कर पाएं, अगर कैजुअल फंक्शन में जा रहे हैं, आप किटी पार्टी अटेंड करते हैं, आप अपनी किटी पार्टी में भी पहन सकते हैं, अपने पार्टी प्रोग्राम में, छोटे बर्थडे प्रोग्राम में, या शादी की पार्टी में, उसमें भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तब भी कैरी कर सकते हैं आप, अगर टीचर हैं तब भी कैरी कर सकते हैं। मतलब एक कैजुअल वे में भी बहुत अच्छी साड़ी लगेगी पहनने पर, और अगर आप पार्टी में पहनकर भी गए ना तो कहीं से ये कम लगने वाली नहीं। तो मुझे तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, तो 100 out of 100 इसके मार्क्स मुझे मैं दूंगी, और बस मुझे कैरी करना है इसका। इस तरह से साड़ी इस तरह से बुला जाएगा,
तो मैंने एक गाउन भी बाय की है, वो भी jetki.com से बाय की है, और तो वो भी मैंने ब्लैक कलर की गाउन ली है। तो वो गाउन इस तरह से है, एक पूरी प्लेन गाउन है, प्लेन गाउन है, बट इसका ये वर्क देख रहे हैं, गोल्डन वर्क है, और ये नेक पर आ जाएगा और ये स्लीव्स पर बहुत हैवी दी गई है स्लीव्स। गाउन प्लेन है बट स्लीव्स बहुत हैवी हैं इसकी। इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत हैवी है और बहुत ही हटके लुक देगा, चाहे ये मैरिड वूमेन पहने या फिर कोई गर्ल पहने, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कपड़े की कोई कमी नहीं है, जैसे मुझे ये आराम से बन जाएगा। और ये सेमी स्टिच है ये, तो अपने अकॉर्डिंग जिसका भी जो साइज है अपने अकॉर्डिंग इसको करवा सकते हैं स्टिच। तो ये देखिए वर्क, इतना अच्छा वर्क है इसका, ये पहनने जब ये तैयार होगा ना गाउन, तब देखिए कितना अच्छा लुक आता है। और मैं इसको बता देती हूँ आपको, इसमें आपको पूरी कैन कैन मिलेगी नीचे। ये देखिए ये लाइनर दिया गया है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टिच कराना है अपने अकॉर्डिंग। और ये कैन कैन दी गई है पूरी, तो बहुत अच्छा सा फ्लेयर आएगा। अगर चुन्नी हैवी है इसमें तो उसमें आपको वर्क थोड़ा कम मिला है, अगर दोनों ही हैवी कर देते तो वो लुक नहीं आता है। तो वही है, ये चुन्नी इसमें बहुत ही हैवी दी गई है। देखिए 4 साइड बॉर्डर है, पूरे चारों तरफ आपको बॉर्डर मिलेगा, ये चारों तरफ बॉर्डर है, और ये बीच बीच में आपको स्टोन भी मिलेंगे चुन्नी में। तो चुन्नी बहुत हैवी है इसकी, ये देखिए। तो ब्लैक कलर तो सब पर अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हो, एकदम फेयर स्किन हो इसकी या फिर गेहुआ है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत मुझे चुन्नी की वजह से मुझे बहुत पसंद आया था ये गाउन। तो पूरे में वर्क है, ये चुन्नी में वर्क वही है, गोल्डन और सिल्वर मिलेगा। और वर्क में कोई भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कपड़े में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत अच्छा ही वर्क है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, ये देखिए। ऐसा है नहीं कि मतलब अगर आप ओढ़ेंगे ना इसको, सर पे से भी लेना पड़ता है समटाइम्स, हम ऐसी जगह जाते हैं जहां सर पे से लेना पड़ता है। तो ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी चुन्नी लग रही है, गाउन तो जैसा भी है चुन्नी बहुत प्यारी लग रही है इसकी। क्योंकि गाउन भी हैवी कर देते ना और चुन्नी भी हैवी, तो वो मजा नहीं आता। चुन्नी हैवी है और गाउन लाइट है, मतलब ज्यादा नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सर पे से डालिए या फिर गर्ल्स लोग भी ये साइड से डालेंगी तो बहुत प्यारा लगी रही। ये देखिए और मैरिड वुमेन है हमारी तरह, सर पे से लीजिए तो भी बहुत प्यारा लगेगा। मुझे बहुत प्यारा लगा इसका जो वर्क है, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है। एक अगर आपका बेबी भी छोटा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब सितारा या ये जो सितारे का वर्क रहता है ना उसमें, तो ऐसा भी नहीं है कि उसको चुभेंगे या कुछ भी, तब भी तो भी बहुत अच्छा है हर तरह से। मुझे ऑल ओवर ये अच्छा लगा है गाउन, और साड़ी तो एकदम मस्त है, कोई बात नहीं। और गाउन की ये चुन्नी बहुत मस्त लगी मुझे। और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि गाउन के साथ ले लिया, या फिर आपने कोई और भी सूट सिलवा लिया, ये गोल्डन कलर का आप सूट सिलवा लीजिए, उस पर भी ये चुन्नी कैरी कर सकते हैं। क्योंकि प्लेन चुन्नी है, गोल्डन कलर का सूट सिलवाइए, सिल्वर कलर का सूट सिलवाइए, उस पर ये ब्लैक चुन्नी डालिए तो भी आपको बहुत अच्छी लुक देगा। और गाउन तो अपना है ही।
तो कैसी लगी आपको हमारी शॉपिंग बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप jetki.com पर बाय कर सकते हैं। She's waiting for love.